हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस बीपीएससी और सीडीपीओ वाले कोर्स में एक पार्ट ये भी था कि हम लोग डिस्कस करने वाले थे करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू। तो ये एमसीक्यू करेंट अफेयर्स का हम लोग कहाँ से डिस्कस करें और कैसे डिस्कस करें, हम यहाँ पे लिंक एस्टाब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं एक करेंट अफेयर से दूसरे करेंट अफेयर्स में। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि करेंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करें। और ये क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं जो एडुटेरिया का 3 मैगजीन अभी आ चुका है, उसमें सबसे पहले मैगजीन का थर्ड सेट अभी हम लोग करने वाले हैं। पहला और सेकेंड सेट हम कर चुके हैं, यानी 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड सेट हमने शुरू किया है, ये हमारे कोर्स है। आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, क्योंकि ऑफर सिर्फ कल ही तक बचा है। ठीक है, 25% डिस्काउंट इस पे आपको मिलेगा अभी, और फिर कल के बाद कंप्लीट खत्म हो जाएगा ये। चलिए, इसमें हम टारगेटेड प्लान कर रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ बनाया है। पिंक बूथ का मतलब है वहां पे महिला सिर्फ जाके टीकाकरण करवा सकती थी, वैक्सीनेशन करवा सकती थी, वैक्सीन ले सकती थी। तो स्पेशल पिंक बूथ बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया था। क्लियर? उत्तर प्रदेश आपको पता है, वो वहां पे जो गवर्नमेंट की बॉडी है, ड्यूअल बॉडी है, ड्यूअल पार्लियामेंट टाइप की, क्योंकि वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन हो रहा है, टोटल 403 सीट है, और राज्यसभा में टोटल सीट है 31, जो कि सबसे ज्यादा है। यूपी की बात करें तो यूपी सरोजनी नायडू, यूपी का पहले नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस, पता है आपको। और सरोजनी नायडू ये पहली वुमेन गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस की। सरोजनी नायडू जी के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशल पिंक बूथ। एक फैक्ट और यूपी से रिलेटेड याद करिए, यूपी का जो हाई कोर्ट बना था ना, 1866 में बना था। तो शुरुआत में जो 3 हाईकोर्ट बना था, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, उसके बाद ये 4th नंबर पे बना था। लेकिन जो एक्ट था वो सेम था, क्योंकि पहले एक्ट बना था हाई कोर्ट के एस्टाब्लिश करने के लिए, 1862 एक्ट। इसी एक्ट के थ्रू एस्टाब्लिश किया गया था हाई मेन जो ब्रांच है, जो मेन बेंच है, वो कहाँ है? इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज इसको बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। सबसे पहले एक चीज, अभी हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो चार्जिंग स्टेशन है वो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। लेकिन एक शहर है किसी राज्य का, उसको पूरी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बना दिया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बना गया है, वो है गुजरात का केवाड़िया। मतलब बनाया नहीं, बिल्कुल अनाउंसमेंट हुआ है ये बनाया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात का जो शहर का नाम है केवाड़िया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गुजरात की बात करते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए जो ऊपर वाला वाटर बॉडी है गुजरात में, एक ऊपर वाला बॉडी है, उसको बोलते हैं बैटल गल्फ ऑफ कच्छ, नीचे वाले को खम्बात बोलते हैं। ठीक है ना? और जो खम्बात के नीचे दो रिवर आती है, ये हमें पता है, कौन कौन नदी आती है? नर्मदा और तापी। नर्मदा तापी आपको पता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और यही नर्मदा रिवर के आगे सामने में एक एलिया बेट करके एक आइलैंड है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? और इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक क्रिक के लिए सर क्रिक डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, ये बात ध्यान रखिएगा। गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। रिसेंटली हुइच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वॉज ऑनर्ड बाई द यूएई विथ आबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड। आबू धाबी का जो टॉप सिविलियन अवार्ड है ना, वो किनको दिया गया? देखो, यूएई ऑलरेडी पीएम मोदी जी को दे चुके हैं। इसका नाम क्या है? हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ जायद। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा।
उसके अलावा ये कुछ और न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इनका नाम क्या है, यूसुफ अली, ये फिलेंथ्रोपिस्ट है और भी बहुत काम इन्होंने किया इसलिए इनको अवार्ड मिला। अब जापान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो CNR राव जी को मिला था। उसके अलावा अभी भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी जी को मतलब उन्होंने कॉन्फर्म कर दिया कि हाँ उनको मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है, फॉर एनिमल, एनिमल के लिए सबसे पहले किसने किया, रसिया ने, ठीक है। इंडिया की कोविड वैक्सीन आपको पता होना चाहिए कौन कौन है, कौन कौन, एक तो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को अब WHO ने अप्रूव कर दिया है, ये बात याद रखिए, कोविशील्ड भी है, ठीक है। रसिया ने रजिस्टर किया है, ये बात याद रखिए। जो कोवैक्सीन है उसको किसने बनाया, किस किस के कोलाबरेशन से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था, यहाँ पे मूवी का नाम पूछ रहा है, हुई फिल्म, तो इस फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड सिर्फ ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता, और भी कई सारे अवार्ड जीते, जैसे हम बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये 2021 का, उसके अलावा बाफ्टा अवार्ड, ये भी, ये सारा अवार्ड किसने दिया, नोमैडलैंड ने जीता, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2021 के पैरेड में, तो सिंपल समझिए, ये पिछले साल वाला क्वेश्चन हम नहीं पूछेगा, इस साल में कोई भी देश आया नहीं था, और आने वाला कौन था आपको पता है, सेंट्रल एशियन कंट्री, जो 5 देश है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये आने वाले थे लेकिन कोविड के कारण नहीं आए। लेकिन 26th को जैसे ही हमारा रिपब्लिक डे कंप्लीट हुआ तो अगले दिन के साथ वर्चुअल मीटिंग था, आप लोगों को पता होगा, 27th को, ठीक है। पिछले साल की बात है, कौन सा सैनिक दस्ता किसका शामिल किया गया था, ये तो बांग्लादेश आया था। एक चीज और इसके साथ याद रखिएगा, हर साल झांकी निकाली जाती है, तो इस साल बेस्ट झांकी किनकी किनका था, यूपी का, क्या उन्होंने प्रदर्शित किया था, दो चीज प्रदर्शित किया था, एक था उनका प्रोग्राम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रोग्राम है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, इसका आपको पता है कि फर्स्ट कॉरिडोर स्टार्ट हो गया है, पहला फेज। चलिए बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के जो निर्माता है, जो फाउंडर है, उनका नाम है मुजीबुर रहमान, और अभी उनका मनाया गया है 50वां साल बनाया गया बांग्लादेश की, पीएम मोदी गए थे, आपको पता है पीएम मोदी कोविड के बाद जो छुट्टी मिल रहा था बहुत दिन रहने के बाद जो पहली बार गए थे वो बांग्लादेश ही गए थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ना याद रखिएगा, कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका, उसके बाद मालदीव्स के लिए हमें एक चीज याद रखना है कि मालदीव्स की कैपिटल है माले, माले पे भी हम कई सारे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चला रहे हैं, तो माले और ऊपर माले और लक्षद्वीप के बीच, लक्षद्वीप में कोई आइलैंड है, उन दोनों के बीच 8 डिग्री चैनल है ना, वो बदला आप ध्यान रख लीजिएगा बस। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है ना, तो इस बार अभी नहीं मनाया गया है, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो 21 मार्च को मनाया जाता है उसका थीम क्या था, थीम था फॉरेस्ट रीस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब का नाम है माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस, माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस समीर सोनी ने लिखा है, समीर सोनी ने, क्लियर। सब लोगों का हम लोग किताब देखेंगे, आर कौशिक और पी कौशिक ने एक किताब लिखी थी इंडिया 71 करके, ईयर टेस्ट 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्राइम्फ इन इंडिया, इसके बारे में किताब है। रामचंद्र गुहा जी की किताब है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, याद रखिएगा,
कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, उसके अलावा एक और है ताहिरा कश्यप, इनके अभी पता नहीं इनका कोई किताब है या नहीं, आगे देखेंगे अगर आएगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द कंट्रीज फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क, ये हमने अभी देखा, मध्य प्रदेश के सांची में बनाया जाने वाला है, मध्य प्रदेश के सांची में बुद्धिस्ट थीम पार्क। बुद्धा के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी हमें मिलना चाहिए कि उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, फिर लुम्बिनी में अशोका ने पिलर भी बनाया था, उसके बाद वो घर से बाहर निकल गए, और घर से जो बाहर निकले उसका भी सिंबल आपको पता है, हॉर्स है, जन्म हुआ था उसका सिंबल है लोटस और एलिफेंट, घर से बाहर निकले थे। उसके बाद घर से बाहर जो निकले थे तो फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना रिवर के किनारे, निरंजना रिवर के किनारे। और अभी हम बिहार के टूरिज्म करा रहे थे, तो कौन सी लड़की उनको चावल और दूध दी थी, उनका भी एक टेंपल है, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया, रिकॉर्ड कर लिया, मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक, अपलोड करना बाकी है। तो टूरिज्म ऑफ बिहार में हम बहुत कुछ जानते हैं बुद्धिज्म के बारे में। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहला सरमन उन्होंने कहाँ पे दिया, सारनाथ, याद रखिएगा। लास्ट सरमन उन्होंने दिया था बिहार के वैशाली में, और उनका डेथ हो गया कुशीनगर में, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, ये सब बात पता होना चाहिए। व्हिच विथ व्हिच कंट्री इंडिया साइंड अ MOU टू प्रमोट कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के साथ किसने, किसके साथ हमने प्रमोट किया है कि एक कॉपरेशन, उज्बेकिस्तान के साथ, हमें ये लगेगा पता नहीं किए होंगे कि नहीं, लेकिन किया है उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, सोलर एनर्जी की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में है, पता चलना चाहिए। सबसे लेटेस्ट कंट्री आप याद कर लेना, इसका हेड क्वार्टर जो सेक्रेटेरिएट है वो गुरुग्राम में है। इंडिया और फ्रांस ने स्टार्ट किया था सबसे पहले COP 21 में, COP 21 कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था, मतलब पेरिस में हुआ था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, अभी तो 26 हुआ ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो में इंडिया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें की थी कि हम लोग 2017 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे, नेट जीरो कार्बन एमिटर एमिटर। नेक्स्ट, उसके बाद और भी कई चीजें बातें की थी, हमने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। व्हिच राजधानी सॉरी राजस्थानी राइटर वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड टू बी ए कन्फर्ड विद द बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार किनको दिया गया है, किस किनको दिया गया है, ये आपको बताना है। ये है कमल कांत, नहीं, मोहन कृष्ण बोहरा, मोहन कृष्ण बोहरा। बिहारी पुरस्कार देते कौन है, ये देते हैं के बिरला फाउंडेशन। ठीक है ना, इनकी किताब का क्या नाम है, इनका किताब का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, तस्लीमा, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, और साहित्य। तो क्या के बिरला फाउंडेशन सिर्फ एक ही अवार्ड देती है, नहीं, और भी अवार्ड देते हैं। एक अवार्ड का नाम अपने सुना होगा, सरस्वती सम्मान अवार्ड, सरस्वती सम्मान। ठीक है, उसके बाद आपने जरूर सुना होगा ब्यास सम्मान, ब्यास सम्मान अवार्ड, ये सारे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, इन हुई स्टेट अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन धालसन रिवर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए धालसन रिवर कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट अर्जुन प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा, ये भी यूपी में होगा। ठीक है, धालसन रिवर की बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी है बेतवा की, तो आप क्वेश्चन होता है बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेतवा ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की। तो सिंपल, धासन रिवर इनडायरेक्टली गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है ना, लखनऊ, ये आपको बताना है किस रिवर के किनारे। ठीक है, क्योंकि बाकी आप तो पता ही है, जैसे वाराणसी पता है, कानपुर पता है, ये सब तो मेन मेन है। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है ना लखनऊ, ये किस नदी के किनारे, ये बताना है आपको। चलिए,
Which scheme was launched by central government to provide cheap इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब सस्ता इलेक्ट्रिक बल्ब लोगों तक पहुंचाना है, कि लोग वो पीला वाला बल्ब को छोड़ के इलेक्ट्रिक बल्ब एलईडी यूज करने लगे। एलईडी बल्ब अगर 100 रुपये होगा तो लोग थोड़ा सा दूर भागेंगे, ठीक है। तो एलईडी बल्ब को सरकार सब्सिडाइज करती है और 30-35 ऐसे इस रेट में बेचती है। तो इसका क्या है? प्रोग्राम का नाम है ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना, ये बात याद रखिएगा। सहज बिजली योजना तो बिजली से कनेक्ट करने के बारे में है, ठीक है ना, लोगों का हाउस होल्ड कनेक्ट करने के बारे में है। उदय का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना उसको मदद करने के लिए, क्योंकि वो घाटे में रहती है, उसके लिए है। सौभाग्य योजना है, क्या है इसका फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, इसकी बात करते हैं। Which app is launched to ease accountability issue faced by differentially able in building and transport system? देखो सिंपल, ये प्रोग्राम इसलिए आया गया था कि जो डिसेबल होते हैं, आपको ऐसा बिल्डिंग बनाना है या ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है जो इनको फ्रेंडली हो, ये भी उस पर आराम से जा सके। तो ये सुगम्य भारत है, सुगम्य भारत है। नेक्स्ट है, हु गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन द रिसेंटली रिलीज म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। म्यूनसिपल जो एक रिपोर्ट आती है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, इस इंडेक्स में पहला नंबर किसको आया, इंदौर क्या है, ये बात ध्यान रखिए। ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बस पूछ रहा हूँ, ठीक है। इंदौर, इंदौर आपको पता है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी टॉप पे आता है। वाराणसी गंगा जो सिटी है ना, गंगा सिटी, उसमें टॉप किया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और शिमला भी काफी स्वच्छ शहर है, ये भी तो हमें पता ही है। चलिए, ये हमारा यहीं तक हम रहने देते हैं, 15 क्वेश्चन, इसको हम 3 वीडियो में कम से कम कवर कर लेंगे, 15 20 20 करके, मतलब 15 15 20 करके, और एक बात याद रखिएगा, ये नंबर, आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली इस पे मैसेज कीजिए, कोर्स के बारे में पता करना है तो भी इस पे मैसेज कीजिए। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।